सोलन में खाद्य सुरक्षा विभाग समाज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लगातार कार्रवाई अमल में ला रहा है। हर माह विभाग द्वारा बाजार से सैंपल एकत्र किए जाते हैं, जिनके सैंपल में खोट निकलता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाती है। FSSAI द्वारा जो निर्देश मिलते हैं उनके अनुसार भी आवश्यक कार्रवाई विभाग द्वारा की जाती है। ये प्रक्रिया विभाग द्वारा इसलिए उपयोग में लाई जाती है ताकि शहरवासियों को स्वच्छ और गैर मिलावटी सामान मिले और मिलावट खोरों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अधिक जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी अनुज शर्मा ने बताया कि हर माह विभाग द्वारा 20 सैंपल भरे जाते हैं, जिसमें वे 5 सैंपल दूध, 5 सैंपल तेल और 10 सैंपल अन्य खाद्य सामग्रियों के लेते हैं। इसके अलावा अगर विभाग को कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसके सैंपल भी विभाग द्वारा लिए जाते हैं। उन्होंने शहरवासियों को आग्रह किया है कि सभी नियमों का पालन करें। बिना पंजीकरण के ढाबा या रेस्टोरेंट चलाते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है और 6 माह तक का कारावास भी हो सकता है। सितंबर मंथ की जो हमारी रणनीति है उसके तहत वैसे हर मंथ जो हमारा टारगेट रहता है सैंपल्स लिफ्ट करने का, वो 20 सैंपल्स का निर्धारित किया गया है। उसमें से 5 सैंपल जो है हम हर मंथ दूध के लेंगे, 5 जो है वेजिटेबल ऑयल्स, और 10 सैंपल जो है वो अन्य खाद्य पदार्थों के हम उसमें लेंगे। इसके अलावा जो हमारी रणनीति है वो ये रहेगी कि जो पब्लिक कंप्लेंट्स आती हैं या FSSAI के माध्यम से हमें सूचित होती हैं, उन्हें हम टाइम टू टाइम जो है वो अटेंड करते हैं और उन्हें किसी लेवल पे निपटाने की कोशिश हमारी रहती है। उसके बाद जो है वो एक आपके माध्यम से ये आग्रह भी रहेगा कि जो लोग बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के अपना फूड बिजनेस कर रहे हैं वो इस चीज़ को ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल एक्ट के खिलाफ चीज़ है, जिसमें कि 5 लाख का जुर्माना और 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान इसमें रखा हुआ है। साथ ही इसमें ये है कि अब जैसे होटल रेस्टोरेंट्स अगर खुल रहे हैं तो उसमें जो Schedule 4 के तहत, जो एक्ट में Schedule 4 है उसके तहत जो भी पर्सनल हाइजीन है उसका ध्यान पूरा रखते हुए ही काम करें, क्योंकि जिस तरह से COVID-19 पेंडेमिक अभी हमारा चला है तो उससे भी लोग सुरक्षित रहें।